नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल रेनू के तरीके में आपका स्वागत है। आज मैं कान्हा जी की ड्रेस लेके आई हूँ जो विंटर के लिए है, और ये ड्रेस के साथ कैप भी है। फ्रेंड्स देखिए, इस तरह का डिज़ाइन मैं बताऊँगी आपको कैसे बनाना है। बहुत ही आसान है और जल्दी बन जाएगा। और प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा। ये मैंने 12 नंबर की क्रोशिया ली है, 2 प्लाई ऊन लिया है। सबसे पहले हम इस तरह से गांठ लगा लेंगे, इस तरह से। एक चेन लेते हुए हमने गांठ लगा ली टाइटली। अब हम ऐसे 14 चेन बनाएंगे। इस तरह से हमको 14 चेन बना लेनी है। और फिर हम पहले चेन की छेद में हम सिंगल क्रोशिया डाल के इस तरह से हम इस चेन को पूरा राउंड करके बंद कर लेंगे, इस तरह से। अब हम 3 चेन लेंगे इस तरह से, 1, 2, 3। और पहले चेन की छेद में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हम दूसरे छेद में डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह हर चेन की छेद में हम एक एक करके सिंगल डबल क्रोशिया बनाते हुए हम पूरे 14 बना लेंगे डबल क्रोशिया। इस तरह से राउंड में करके हमको पूरे 14 बनाने हैं। पूरा राउंड करते हम 14 बना लेंगे। ये देखिए हमारा बन गया। अब जहाँ से हमने शुरू किया था, जहाँ से हमने 3 चेन ली थी, वो पहली, दूसरी और तीसरी चेन की छेद में हम इस तरह से क्रोशिया डाल करके और सिंगल क्रोशिया इस तरह से ले करके हम बंद कर देंगे। ये राउंड देखिए इस तरह से बंद हो गया। अब हम फिर से चेन लेंगे, 3 चेन लेंगे, और पहले चेन की छेद में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, फिर उसी छेद में हम एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। यानी स्टार्टिंग के 5 जो घर हैं, 5 जो चेन हैं, उसमें हर एक चेन में हमको 2 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। यानी 5 चेन में 10 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। इस तरह से हर एक छेद में हमको 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। फिर इस तरह से हम 5 डबल क्रोशिया बना लेंगे ऐसे हर एक चेन में। ये 3 बन गई है, 3 में 6 डबल क्रोशिया बन गए हैं, 1 2 3, ऐसे देख सकते हैं आप। देखिए हमारे बन गए हैं। अब हम 1 2 3 और ये तीसरे चेन में हम डाल करके ऐसे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। मतलब ये हमारी बाजू हो जाएगी, सॉरी ये सिंगल क्रोशिया बना दिया है, इसमें हमको डबल क्रोशिया बनानी है। यानी 2 चेन छोड़ के तीसरे चेन में हम बनाएंगे डबल क्रोशिया। इसी तरह से फिर 5 चेन में हम 2 2 करके डबल क्रोशिया बना लेंगे, तो 5 चेन में 10 डबल क्रोशिया हो जाएंगे।
देखिए ये बन गया। अब हम लास्ट में फिर से ये जो हमने स्टार्टिंग में बनाया था इसमें हम ऐसे क्रोशिया डाल करके इसको हम ज्वाइन कर देंगे, तो ये हमारी दूसरी बाजू बन जाएगी, कान्हा जी की दूसरी बाजू डालने के लिए हो जाएगा। अब इसमें हम ऐसे क्रोशिया डाल करके ऐसे सिंगल क्रोशिया से ऐसे बंद कर देते हैं। ये देखिए दोनों तरफ हो गई। अब हमको तीन चेन लेनी है और हर एक जो चेन में है वो उसमें हमको डबल क्रोशिया बनानी है हर एक चेन में। इस तरह से हम हर एक चेन में दो डबल क्रोशिया बनाते हुए ये पूरा राउंड ख़त्म करेंगे। हर एक चेन में हमको डबल क्रोशिया बनानी है। इस तरह से हर एक जो चेन है इसमें हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये हमारी तीसरी राउंड हो जाएगी। देखिए जल्दी जल्दी बना रही हूँ मैं। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए ये राउंड कंप्लीट हो गया। हम लास्ट में आ गए हैं जहाँ से हमने शुरू किया था। अब ये जो तीन चेन लेते हैं जहाँ से हम शुरू करते हैं, तीसरी चेन में हम ऐसे क्रोशिया डाल के ऐसे सिंगल क्रोशिया डाल के हम बंद कर देते हैं। इस तरह से देखिए राउंड ख़त्म हो गया। अब हम फिर से तीन चेन लेंगे, एक दो तीन चेन, और पहले चेन में ही हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से पहले चेन में डबल क्रोशिया, फिर दूसरे चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर तीसरे चेन में दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक फिर उसी में दो डबल क्रोशिया। फिर एक सिंगल डबल क्रोशिया, फिर दो डबल क्रोशिया, यानी एक चेन में सिंगल डबल क्रोशिया बनाने हैं, फिर दूसरे चेन में दो डबल क्रोशिया बना करके इस तरह से हमको राउंड कंप्लीट करना है। ये देखिए राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हम लास्ट में आ गए हैं। फिर से हम इस राउंड को ज्वाइन कर देंगे जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं तीन चेन से। तीसरे चेन में ऐसे क्रोशिया डाल के हमको इस तरह से निकाल करके इसको बंद कर देना है। देखिए बंद हो गया। फिर से तीन चेन लेंगे और पहले चेन की छेद में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और ये दूसरी डबल क्रोशिया। फिर हम एक चेन लेंगे और फिर हम दो चेन छोड़ के तीसरी चेन में दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से दो चेन छोड़ के तीसरे चेन में हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से फिर एक चेन लेंगे, फिर दो चेन छोड़ के एक दो छोड़ के तीसरे में हमको दो डबल क्रोशिया बनाने हैं। इसी तरह से रिपीट करते हुए हमको ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। फ्रेंड्स, बीच में एक चेन लेते हुए और दो चेन छोड़ते हुए दो डबल क्रोशिया बनाते हुए हमको पूरा राउंड कंप्लीट करना है। देखिए मैं जल्दी जल्दी बना रही हूँ, मैंने वीडियो फास्ट कर दिया है ताकि वीडियो मेरा लंबा ना हो और आपको जल्दी से बन जाए। देखिए
की एंडिंग में आ गए हैं फिर से हम। इधर भी हम फिर हम यहाँ से शुरू करते हैं, वहाँ पे हम जॉइन कर देंगे। इस तरह से हम क्रोशिया डाल करके तीन चेन में तीसरे वाले में ऐसे डाल करके ऐसे सिंगल क्रोशिया से इस तरह से हम बंद कर देते हैं। देखिए राउंड भी कंप्लीट हो गया। देखिए कान्हा जी की लगभग ड्रेस तैयार हो गई है। अब हमको सफ़ेद वाली लेस बनानी है। उसके लिए हम ये सफ़ेद लेस बनाएंगे, तो इसके लिए हमको ये ऊन कट करना होगा और दूसरे कलर का यानी सफ़ेद ऊन हम इसमें ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से हमने ज्वाइन कर दी। अब हम इस तरह से पहली चेन में ऐसे सिंगल क्रोशिया ऐसे बनाएंगे छोटा सा, इस तरह से सिंगल क्रोशिया। फिर उसके बाद हम उसी छेद में एक और हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर उसके बाद दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया फिर एक और बना लेंगे। फिर ये जो दो डबल क्रोशिया बनाए हैं उसमें हम ये डबल क्रोशिया में हम इस तरह से क्रोशिया सेंटर में डाल करके एक छोटा सा डबल क्रोशिया बना लेंगे, बिल्कुल छोटा सा बनाना है। फिर उसके बाद हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से, फिर दो डबल क्रोशिया इस तरह से लेंथ ही बनाना है, फिर एक और डबल क्रोशिया, ताकि छोटे से बड़े हमारा लेंथ होता है, तो इस तरह से ये राउंड शेप में आ जाता है। फिर इधर छोटा सा डबल क्रोशिया, फिर इधर हाफ क्रोशिया, फिर इधर दो डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, चार क्रोशिया हो जाएगा। फिर इधर, फिर इसी तरह से फ्रेंड्स हमको ये राउंड कंप्लीट करना है। इस तरह से हमारी ये लेस तैयार हो जाएगी। पहले छोटा क्रोशिया बनाना है, फिर हाफ क्रोशिया बनाना है, फिर दो डबल क्रोशिया बनाने हैं इस तरह से। जो हमने रेड से जो डबल क्रोशिया बनाया है उसी के सेंटर में हमको ये बनाना है चार चार क्रोशिया से। इस तरह से हमारा राउंड कंप्लीट होगा फ्रेंड्स। मैं जल्दी से बना लेती हूँ, आप देख लीजिए, फिर आगे मैं बताती हूँ कि इसकी कैप कैसी बनेगी। हैट वाली कैप है, बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। ये देखिए हमारी राउंड तैयार हो गई है। अब हम लास्ट में आ गए हैं और इसको भी बना करके हम पहले में ज्वाइन कर देंगे। फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और इस तरह से क्रोशिया डाल करके हमको इस तरह से बंद कर देंगे। ये देखिए बंद हो गया। और इसको एक गांठ लगा देंगे और ये हमारा तैयार हो गया। कट कर देंगे ऊन, और ये जो है ऊन इसको हम पीछे से छिपा देंगे। इस तरह से हमारा देखिए ये ड्रेस तैयार हो गई है कान्हा जी की। ये 0 नंबर साइज की ड्रेस है फ्रेंड्स। ये जो धागा कट किया था इसको हम क्रोशिया की हेल्प से इसी के अंदर ऐसे सफ़ेद वाले के अंदर ऐसे इन कर देंगे। ये देखिए तैयार हो गई कान्हा जी की ड्रेस, कितनी प्यारी लग रही है छोटी सी। अब हम इसकी कैप बनाएंगे। कैप भी बहुत आसान है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्रोशिए से इस तरह से हम गांठ लगा लेंगे, नॉट लगा लेंगे।
फिर हम इसमें चेन बनाएंगे, एक दो, एक और चेन बनाएंगे। अब हम पहले वाले चेन में इसको ज्वाइन कर देंगे, यानी पहले वाले चेन की छेद में हम इस तरह से क्रोशिया डाल करके, इस तरह से क्रोशिया लेते हुए इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। ये देखिए हमारा राउंड, छोटा सा राउंड बन गया है। और ये जो नॉट किया हुआ ऊन है, इसी में हम क्रोशिये से बनाते हुए उसी में हम शामिल कर लेंगे। ये हमने दो चेन क्रोश ले लिया। अब हम हर एक में ऐसे डबल क्रोशिया, आठ डबल क्रोशिया बना लेंगे इस राउंड में। फ्रेंड्स, आठ डबल क्रोशिया बनाने हैं इस तरह से, इस छोटे से राउंड में हमको आठ डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो चलिए इसको राउंड को हम कंप्लीट कर लेते हैं फटाफट। डबल क्रोशिया बनाना है हमको। देखिए इस तरह से राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम पहले वाले, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, पहले वाले चेन में हम इसको इस तरह से क्रोशिया डाल करके इस राउंड को हम बंद कर देंगे। फ्रेंड्स देखिए इस तरह से पहले वाले चेन में इस तरह से हम मिलाएंगे, इस तरह से, और इस तरह से इसको हमको बंद कर देना है। ये देखिए राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम दो चेन लेंगे, और इस हर चेन की छेद में डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरा राउंड बनाएंगे इस तरह से। हर एक चेन में हमको इस तरह से क्रोशिया बनाना है, पूरा राउंड कंप्लीट करना है। जितना हमने पहले बनाया था उतना ही हमको उसी के ऊपर सिंगल सिंगल बनाते हुए पूरा राउंड कंप्लीट करना है। देखिए ये हमारा सेकेंड राउंड भी कंप्लीट हो गया। और इसमें ऐसे फर्स्ट में जहाँ बनाया था उधर हम ऐड करके इस तरह से हम राउंड बंद कर देंगे। ये हमारे दो राउंड हो गए। अब हमको ये थर्ड राउंड बनानी है, जो सबसे बड़ा घेर है। और इसके लिए हमको क्या करना है फ्रेंड्स, पहले तीन चेन लेंगे, एक दो तीन, फिर हम पहले छेद में दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये पहले छेद में दो डबल क्रोशिया, फिर दूसरे छेद में भी दो डबल क्रोशिया, फिर तीसरे छेद में भी
दो डबल क्रोशिया, फिर चौथे छेद में भी दो डबल क्रोशिया, फिर पांचवें में दो डबल क्रोशिया। इसी तरह हमको हर छेद में दो दो डबल क्रोशिए फ्रेंड्स बनाने हैं, ताकि इसका जो राउंड है वो घेरा है और बड़ा हो। फटाफट हम बना लेते हैं। हर चेन में हमको दो डबल क्रोशे बनाने हैं। देखिए हमारा कंप्लीट हो गया, एंडिंग में हम आ गए हैं लास्ट में। अब हम जहाँ से शुरू किया था वहाँ पे आ गए हैं, आप देख सकते हैं। अब इसको मैं मिला लूँगी इस तरह से, क्रोशिया डाल के इस तरह से ये देखिए ऐड कर लिया। अब ये नॉट गांठ लगा दूँगी एक और क्रोशिया से। ये देखिए हमारी हैट कान्हा जी की टोपी तैयार हो गई। देखिए कितना खूबसूरत सा लग रहा है, छोटी सी कैप है, हैट कैप है ये कान्हा जी की। और इस तरह से ये देखिए बन के तैयार है, कितना खूबसूरत लग रहा है। आप प्लीज़ इसको ट्राई कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। ये हम कट करके और ये धागा हम नीचे के साइड छिपा देंगे इस तरह से। इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू।